इस यमुना के पानी की शुरुआत जो है वो 1994 के समझौते से हुई थी, और जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है जिसमें 5 स्टेट आते हैं, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर ये फैसला हुआ, समझौता हुआ कि ताजावाला हेड से शेखावाटी को 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा, और उसके बाद में ये एग्रीमेंट 2000 और 2002 के बीच में भी हुआ, हरियाणा से हुआ, कहाँ से कितना पानी मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सारी बातें होकर के, और उस वक्त ये हुआ था कि 13,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा। उसके बाद में ये आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था हरियाणा में, उसकी उन्होंने NOC नहीं दी थी, जिन पाइपलाइनों से पानी आना था, तो उन्होंने बाद में डिमांड बढ़ा करके अपनी 18,000 कर ली, और अभी ताज़ा में उन्होंने जो समझौता किया है, या जो हमारी राजस्थान की सरकार ने जो सरेंडर किया हरियाणा के सामने, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि 24,000 क्यूसेक पानी पहले हम लेंगे, और 24,000 क्यूसेक के बाद में बरसात के दिनों में 15-20 दिन अगर कोई पानी आएगा मिलेगा तो वो राजस्थान को देंगे, लेकिन उसमें से भी हम 25% पानी फिर हम लेंगे, उसके बाद में कोई 1-2 दिन का पानी मिलेगा तो हम देंगे, नहीं नहीं देंगे, ये हरियाणा की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बोला। आज तक नई ERCP का जो MOU हुआ वो हमारे सामने, मीडिया के सामने, किसी जनप्रतिनिधि के सामने नहीं है, जबकि विधानसभा के चलते विधानसभा में किया गया था। नए जो ये यमुना के पानी का हरियाणा सरकार से उन्होंने क्या समझौता किया, कितने पानी का समझौता किया, ये नहीं हुआ। कहने का मतलब, पानी का समझौता तो ये कर ही नहीं सकते, ये केवल पाइपलाइन बिछाने की इनका MOU होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना था कि वहां से लेकर के हम पाइप ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, हम काम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं नहीं, इस केवल कंस्ट्रक्शन की अनुमति देने मात्र से 13,000 क्यूसेक पानी के बजाय 24,000 क्यूसेक पानी हम लेंगे, और फिर अगर 10-5 दिन बच गया बरसात में बाकायदा, तो भी उसमें से 25% लेंगे और उसके अलावा हम पानी नहीं देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, पहले ये सरकार बनी भजन सरकार, जिसको हम लोग पर्ची सरकार कहते हैं, लोग बाग भजन सरकार कहते हैं, चलिए मान लीजिए साहब भजन सरकार थी, नाम से ही सरकारें चलती आई हैं, ये ट्रेंड है तो भजन सरकार। उसके बाद में ये सरकार काम करने के बजाय भ्रमण सरकार बन गई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक दिन भी शायद राजस्थान की राजधानी जयपुर में रुके नहीं, सुबह से शाम इनको हेलीकॉप्टर दे दिया गया, और कि आप तो जितने जोर से बोल सकते हो, जितना झूठ बोल सकते हो उतना बोलो और लोगों को भ्रमित करो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का मेन एजेंडा यही रहता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जिससे इतने जोर से बोलो कि लोगों को सच लगने लग जाए और हमारी वोट की फसल हम काट सकें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां पर राजस्थान को 1 इंच 1 क्यूसेक पानी भी मिलना नहीं है, 1 लीटर पानी भी नहीं मिलना है, उसके बावजूद ये इस तरीके का भ्रमित प्रचार करके ये भ्रमित सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजीविका की कार्यकर्ता और ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों से निर्देश देकर के लोगों को 100-150 को बुला करके अपना अभिनंदन और आभार निकाल रहे हैं, तो ये राजस्थान की जनता के साथ में धोखा है। पहले ERCP के नाम से धोखा किया, जहां 3510 MCM पानी मिलना था उसके बजाय 2400 का ये सौदा करके आए। आज घुटने टेक दिए इन्होंने हरियाणा की सरकार के सामने, केवल इसलिए, पानी तय नहीं कर रहा हरियाणा, केवल इसलिए कि पाइप बिछाएं कि नहीं बिछाएं, ये डबल इंजन की सरकार
राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात करने के लिए बनी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार लोगों को धोखा देने के लिए बनी हुई है। ये डबल इंजन की सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है और झूठ बोल करके वोटों की फसल काटना चाहते हैं लोकसभा के अंदर, ये कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जो भी समझौता किया है ERCP और यमुना के बाबत जो हरियाणा सरकार से और पहले मध्य प्रदेश सरकार से, वो आप मीडिया के सामने रखिए। आपका प्रवक्ता उसकी सच्चाई बताए, हमारे प्रवक्ता हमारी सच्चाई बताए, और उसके बाद में आप बताइए कि साहब तर्क वितर्क होने चाहिए जिससे राजस्थान की जनता को सच्चाई का पता चले, मीडिया को सच्चाई का पता चले। अब हमारा दुर्भाग्य है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कागज नहीं दे रहे हैं और भाषण ठोक रहे हैं, और हम कोई बात कहते हैं तो उसको फिर गंभीरता से मीडिया लेता नहीं कि नहीं साहब ये तो विरोध में हैं, दोनों जगह सरकारें इनकी हैं इसलिए इनको तो केवल विरोध करना है। हम केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम राजस्थान के लोगों के हितों के साथ में कुठाराघात इन्होंने किया है, कर रहे हैं, और फिर झूठ बोल करके और फिर दिल्ली के सरकार का लावा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, कुप्रयास कर रहे हैं, उससे जनता को अवगत आपके माध्यम से कराना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है कि जिसके माध्यम से हम सच्चाई बता सकते हैं, वरना एक एक आदमी एक एक गांव में जाके कैसे बताएगा। इनकी सारी की सारी आभार यात्राएं फैल हो रही हैं, कोई लोग नहीं आ रहे हैं, और जो और स्थिति सरकार की बनी हुई है, एक दो दिन में दोबारा हम मिलेंगे तो मैं बताऊंगा जो ट्रांसफरों की है या और कोई जो भी योजनाओं की है उसके बारे में। आज मैं मेरी बात को यहीं तक सीमित रखूंगा, और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि ये भ्रमित करने वाली सरकार है, ये केवल भ्रमण करने वाली सरकार है, ये केवल औचक निरीक्षण करने वाली सरकार है, ये झूठ पे झूठ बोल करके अपने झूठ को सत साबित करने का कुप्रयास करने वाली सरकार है, ये राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात करने वाली सरकार है। और आज जो कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी जो हमारी सरकार के समय पूरी DPR बन गई, सारा काम हो गया, सेंक्शन जारी हो गई, और हमारे नीम का थाना में MLA साहब के नेतृत्व में वहाँ के लोग धरना दे रहे हैं, धरने पे बैठे हैं काफ़ी दिनों से कि हमारा सारा काम हो गया, पैसा रिलीज हो गया, पानी का शेयर तय हो गया, उस काम को आप नहीं कर करके और इस तरीके से ये आभार यात्रा निकाल करके एक हरियाणा से गुमनाम समझौता करके आपने क्या हितों को बेचा है, और आप नुकसान करके राजस्थान के हितों का और फिर भी वोट लेने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने वाई लूटने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। ये तीर नहीं मारा है, ये जो नारे लग रहे हैं ना जोधपुर में जहां भी लग रहे हैं, ये यूं ही नहीं लग रहे हैं, ये जो बता रहा है कि इनका झूठ इन्हीं के लोग अब बोलने लग जाएंगे। हम तो बोलेंगे, हमारा तो फर्ज बनता है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो सच्चाई है, अगर हमारी बात में सच्चाई है तो आप हमारी बात दिखाइए जनता को, अगर उनकी बात में कोई सच्चाई है तो उनकी बात दिखाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, 2017 में इन्होंने याचिका की और तब जल संसाधन मंत्री थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने मीटिंग करके ऑन रिकॉर्ड ये बोला है, कोर्ट में बोला है कि 3 साल तक हमने हाई कोर्ट के निर्देश की पालना में हमने कोई इस तरीके का कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई, हमने प्रयास ही नहीं किया, और ये 5 ये बाद में और चले गए, और देश के प्रधानमंत्री ने भी इसके बाबत क्या क्या झूठ बोला हम एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। उसके बाद में हर्षवर्धन जी और हमारे मोदी साहब बोलेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कितना झूठ बोल करके सरकार का लावा लूटने की चेष्टा कर रहे हैं, ये जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए, इसके लिए हमने आपको तकलीफ दी है। आप मैं चाहूंगा कि वो वीडियो दिखाएं जिसमें खट्टर साहब ने क्या बोला है और देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से पहले भी 2019 में फरवरी में झूठ बोल करके और जो है वो वोट लेने का काम किया था, और आज हम कहां खड़े हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी, फिर यशवर्धन जी बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो देखिए, दोनों बातें, वहां पर कुंभाराम का जो पानी मिलना था वो पानी पूरी तरीके से तैयार है, टेंडर प्रक्रिया होनी है, तो उसका श्रेय कांग्रेस को मिल जाएगा, इसलिए उसको तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
और हरियाणा सरकार से जो समझौता किया वो पानी का समझौता है ही नहीं, केवल पाइपलाइन का है। और पाइपलाइन का तब है ये अगर होता कि साहब वो जो 1900 क्यूसेक पानी हमको मिलना 19000 क्यूसेक वो अगर उस समझौते में लिखा हुआ है तो हम मान जाएंगे कि इन्होंने कोई प्रयास किया। इन्होंने केवल पाइपलाइन बिछाने का किया है। पाइपलाइन बिछा के करोगे क्या जब आपको पानी मिल ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा हरियाणा, तो आप जबरदस्ती कोई लटके बल के ऊपर थोड़ी ले आओगे, बंदूकों से थोड़ी ले आओगे। जब डबल इंजन की सरकार कह रहे हो तो डबल इंजन तो फेल हो गया, एक इंजन तो यहाँ का फेल पड़ा था काफी 2-2.5 महीने से, और एक वो दिल्ली वाला और फेल हो रहा है क्यों झूठ बोल बोल के। तो ये केवल भ्रमित करके पहले भी वोट लिए हैं और भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। लोगों को पानी पिलाने की उनकी कतई मंशा नहीं है। ये शुरुआत हमने आपके माध्यम से की है। अब तमाम जिलों में हम प्रेस वार्ता भी करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जन जागरण अभियान भी चलाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे, ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, सब जगह जा जा के इनकी सच्चाई बताएंगे कि ये झूठे लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, केवल वोटों को लूटना जानते हैं, इनका काम करने की कोई मंशा नहीं है। और आप 90 दिन हो गए हों, आपने सरकार का नमूने तो देख ही लिए होंगे, जितनी सूची आ रही है उतनी 10 दिन बाद में संशोधन, उन्हीं की संशोधन सूची नामों की भी आ रही है, तो नाम ही सही नहीं लिख सकते, वो क्या प्रदेश को पानी पिलाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। 2 तारीख को सीएम शेखावटी आ रहे हैं सभाएं, उन्हीं के आप लोग विरोध करेंगे, कांग्रेस विरोध करेगी? ऐसा है, देखिए विरोध का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध का जो तरीका अपना सकते हैं, जिस तरीके से बात कर सकते हैं वो ही करेंगे। हम इन जैसे नहीं हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जाए और हम इस तरीके से हो अल्ला करें, ये हमारा वो नहीं रहता है कांग्रेस का। कांग्रेस अपने तरीके से ये पूछेगी, सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, प्रतिदिन पूछेंगे कि आप किस बात का आभार ले रहे हो, आपने कौन सा तीर मार लिया ये तो बताओ। आप पानी जो पहले से सेंक्शन है, स्वीकृत है, FS है, फाइनेंशियल सेंक्शन है, हिस्सा तय हो गया, पैसा तय हो गया और सक्षम स्तर पर सारी स्वीकृतियां हो गई, केवल आपको वर्क ऑर्डर करना है, उसको कब कर रहे हो ये बात भी पूछेंगे, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा उसकी सच्चाई क्या है वो बात भी हम पूछेंगे। तो मुख्यमंत्री जी तो यही काम कर रहे हैं 2 महीने से, आपने देखा कोई दूसरा काम किया उन्होंने? वो तो पहले तो आभार यात्रा 13 जिलों में उधर निकाल रहे थे, अब इधर शेखावाटी की तरफ जा रहे हैं, तो उनके पास मुद्दे नहीं है भाई साहब। हमारे पास तो उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे महंगाई को, बेरोजगारी का हो, चाहे किसान की आमदनी का हो, चाहे वो सारे मुद्दे हैं हमारे पास में तो। लेकिन ये मुद्दा भी हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी एक मुद्दा है कि जो काम होना है, जो हमने कर दिया, सब कुछ तय हो गया, और उसके बावजूद आप वो काम तो कर नहीं रहे हो, और लोग प्यासे मर रहे हैं, और आप झूठ पे झूठ बोल करके और फोटो में छिपका रहे हो और पोस्टर छिपका रहे हो और होर्डिंग लगवा रहे हो और घूम घूम के जो है वो प्रचार हेलीकॉप्टर से कर रहे हो, ये कोई बात थोड़ी होती है यार जी। तो मना कौन कर रहा है? नहीं, मना कौन कर रहा है? तो उनको भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए कोई मना किया किसी ने? हाथ पकड़ा जा करके करे ना, वो तो 2G स्पेक्ट्रम और पता नहीं कोलगेट क्या क्या लेके आए थे और सरकारें बना ली और आज तक किसी को किया हो तो बता दो। तो आप राजस्थान में क्यों मानते हो कि हम इतने ताकतवर हैं कि जाके उनकी कलम पकड़ लेंगे? जो उनको जिस मुद्दे के ऊपर जांच करनी हो वो जांच करें, जो दोषी हो उनको सलाखों के पीछे करें, मना कौन कर रहा है? ये तो केवल भाषणबाजी कर रहे हैं बहन जी, भाषण ही भाषण दे रहे हैं। ये भाषण मुख्यमंत्री हैं, भ्रमण भाषण और भ्रमित और औचक निरीक्षण, ट्रांसफर ट्रांसफर खेलो, इसके अलावा कुछ किया है क्या? तब बता दो 90 दिन में। एक मिनट आऊंगा
नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा मेरी फोन टेपिंग हो रही है। मैंने ये कहा था कि कई अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, रात को व्हाट्सएप कॉल आता है कि भाई साहब आप तो समझते हो आपसे बात करने में कितनी वो होती है, इसलिए मैं जब भी समय मिलेगा तो मैं रात को व्हाट्सएप से कर लूंगा। तो मैं समझता हूँ कि कितने भयभीत हैं, ये क्या काम करेंगे इस सरकार में। ये अच्छा, अच्छी बात की आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि इससे विषय से संबंधित नहीं है लेकिन शिक्षा का है और आपने पूछ लिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा बच्चों को अच्छी कैसे मिले इसको छोड़ करके वो सारे बयान दे रहे हैं जो शिक्षा से संबंधित नहीं है, जिसमें आपने जो पूछा वो सवाल भी है, वो बात भी है, क्योंकि इससे शिक्षा का कोई संबंध नहीं है और ये संविधान और कानून के विपरीत बातें हैं। और ऐसी बातें दर्जनों उन्होंने कर दी हैं, पता नहीं अखबार के लिए किस तरीके की क्या क्या बातें कह रहे हैं, जिससे बच्चों का क्या संबंध है आप बताइए। जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने दिया है वो पढ़ाना है, उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जो शिक्षा से संबंधित नहीं है वो सारी की सारी बातें केवल वोटों में धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे हो और मुद्दों से ध्यान कैसे हटा करके वोट लिए जाएं, इस दिशा में ये लोग बाग काम कर रहे हैं। कौन सी वो हाईवे जो बना दिया ना, पोल के नीचे से तो बनाया ही बनाया, टूट और गया और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने नितिन गडकरी जी को करने नहीं दिया। तो ये तो बहुत बातें हैं भैया, ये आज का जो विषय है वो यमुना का पानी है। प्रधानमंत्री जी से पूछोगे 2019 में यमुना का पानी कौन से जिले में आ गया था? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, यशवर्धन जी कह रहे हैं कि चूरू में पानी आ चुका है, तो वो यमुना का पानी कौन से जिले, कौन से गांव में, कौन से घर में पहुंचा, वो थोड़ा सा एक बार आप किसी न किसी जल संसाधन मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी, हालांकि वो सक्षम नहीं है, प्रधानमंत्री जी का बात का जवाब दे दें वो, ये इतनी बड़ी गलती करेंगे नहीं तो कुर्सी खिसक जाएगी, बट फिर भी प्रयास करना चाहिए कि वो बताएं कि आपके प्रधानमंत्री जी कहाँ के लिए कह रहे थे। जब जयपुर बम ब्लास्ट में बरी हो गए तो तुष्टीकरण बता दिया, हमारी असफलता बता दी, हमारा कोई हमने चेष्टा नहीं की सजा दिलाने में, अब क्या कहेंगे उन्हीं से पूछना है। जिन जिन लोगों ने जो बयान जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में फैसला आने पे दिया था, कृपया उनसे पूछिए कि अजमेर के मामले में आपका क्या बयान है, आपका क्या स्टैंड है, ये बता दीजिए। क्या आपने वास्तव में पैरवी करने में कमी रखी या फिर वो केवल वोटों की बात करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आप बयान दे रहे थे।